अब होगी आमने सामने वाली फाइट, देखते हैं स्लेट जीतती है या फिर एक्सआरटी। स्लेट एक्सआरटी के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी, पर एक्सआरटी ने देखो यार इसको धक्का देके, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा रैंप है। ओ भाई साहब जब देखो यार कितना ज्यादा खतरनाक है, पर इसकी लैंडिंग बहुत खराब मेरे को लग रही है। ओ माय गॉड ये तो सीधा जमीन से टकराई है यार, सामने की तरफ से इसकी बैटरी निकल चुकी है पूरी तरीके से। ओ भाई साहब हेलो गाइस, आप लोगों को पता होगा एक्सआरटी कितनी ज्यादा दमदार आरसी कार है, इसने तो यार एक्स मैक्स को भी हरा दिया था रेस में। आज इसकी फाइट कराने के लिए बहुत ही खतरनाक वाली कार्स मैं लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो गाइस ये है स्लेज आरसी कार, इसकी टॉप स्पीड ट्रैक्सस एक्सआरटी से भी ज्यादा, इसकी स्पीड बॉक्स के ऊपर दी गई है। बाकी रेस लगाने के बाद ही पता चलेगा क्या ट्रैक्सस एक्सआरटी को स्लेज हरा पाएगी या फिर नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में भी बोला था कि ट्रैक्सस एक्सआरटी की फाइट क्रेटोन 6S के साथ कराने के लिए, तो देखो आर्मा क्रेटोन 6S भी लेके आ चुका हूं और इन दोनों के अंदर मैं बहुत ही तगड़ी वाली बैटरी यूज करूंगा। देखते हैं ये दोनों मिलकर क्या एक्सआरटी को आज हरा पाते हैं या नहीं। आप लोगों को पता होगा क्रेटोन के अंदर मैंने रिसेंटली कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए थे, और यहां पे अपनी आर्मा क्रेटोन इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। इसके अंदर रिसेंटली मैंने ये विली बार अटैच किया था, विली बार के नीचे देखो इस तरह के स्प्रिंग्स वगैरह भी दिए गए ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से विली वगैरह कर सके। इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है। अब बारी है ट्रैक्सस स्लेज की, यहाँ से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। इसका भी साइज काफी ज्यादा बड़ा है, आज बहुत ज्यादा मजा आएगा गाइस। तो फटाफट से तीनों कार्स को साइड बाय साइड रख के कंपैरिजन करते हैं। तो गाइस ये है क्रेटोन का हाई स्पीड गियर, अब ये गियर भी इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ। देखते हैं गाइस ये लगाने के बाद इसकी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। ओवरऑल देखो गाइस दोनों का साइज में जो है बिल्कुल भी ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। यहाँ पे स्पॉइलर है, इसके अंदर भी यहाँ पे एक स्पॉइलर दिया गया है। इसका प्राइस है लगभग 75,000 रुपीस, इसका प्राइस है लगभग 78,000 रुपीस, और इसका प्राइस है गाइस 1,40,000 रुपीस। क्लियरली आप देख सकते हो ट्रैक्सस एक्सआरटी इन दोनों के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़े साइज की है। और इसके टायर्स देखो, बाप रे बाप इतने बड़े टायर्स इसके अंदर दिए गए। क्रेटोन के भी व्हील्स इसके सामने छोटे लग रहे हैं, और तो और स्लेज के भी व्हील्स इसके सामने बहुत ज्यादा छोटे लग रहे हैं। अब इनका साइज कंपैरिजन आप देख सकते हो, लेंथ में भी एक्सआरटी इन दोनों से काफी ज्यादा बड़े साइज की है। दोस्तों सबसे पहले मैं ऑफ रोड में आर्मा क्रेटोन को चलाने वाला हूँ। गियर चेंज करने के बाद इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर 100 की स्पीड ये पकड़ रही है यार। यहाँ पे खतरनाक सा ब्रेक मैंने लगा दिया है, ब्रेक लगाने के बाद इसका एक व्हील सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। ओ माय गॉड ये देखो यार इसका डॉग व्हील के अंदर से निकल के आ चुका है पूरा का पूरा। अच्छा तो कुछ ज्यादा ही हार्ड ब्रेक लग गया था यार, इस वजह से डॉग बोल निकल के आ चुका है बाहर की तरफ। अब ये लगाने के लिए पूरा का पूरा व्हील मेरे को खोलना पड़ेगा भाई, इसको खोल के फिट करने में आधा घंटा वेस्ट हो गया है मेरा। पूरा का पूरा ये व्हील खोल के देखो इसको निकाल के पूरा फिट करना पड़ा है मेरे को। अब मैं ट्रैक्सस एक्सआरटी को भी सेम स्पीड पे टेस्ट करने वाला हूँ, सेम स्पीड पे ब्रेक्स भी लगा के देखूंगा गाइस इसका क्या क्या टूटता है। अभी देखो ब्रेक लगा दिया मैंने यार, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। देखो ये भी सामने की तरफ से काफी ज्यादा दब चुकी थी ब्रेक लगाने के बाद, और भी खतरनाक तरीके से इसको चलाएंगे। यहाँ पे देख लो यार ये जैसे रोड के ऊपर ड्रिफ्ट कर सकती है वैसे ही ऑफ रोड में भी ड्रिफ्ट कर सकती है। अब देखो ट्रैक्सस एक्सआरटी के सामने आ चुका है एक बहुत बड़ा पत्थर, क्रॉलर्स इसके ऊपर से आराम से चढ़ रही थी। आज देखते हैं एक्सआरटी चढ़ पाएगी या फिर नहीं। सामने का टायर तो बड़ा ही आराम से चढ़ गया था यार, मेरे को नहीं लगा था कि ये इतनी आराम से यहाँ से निकल जाएगी, पर ट्रैक्सस एक्सआरटी ने कर दिया है फाइनली। अब ट्रैक्सस एक्सआरटी के साथ एक खतरनाक वाली क्लाइंबिंग में कराऊंगा, इसको बोलते हैं जालीदार क्लाइंबिंग, क्योंकि यहाँ पे झाड़ियां भी है और एकदम खतरनाक गीली मिट्टी भी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो यार फिसल के साइड में आ गई थी, पर सेकंड अटेम्प्ट में देखो काफी इजीली ऊपर की तरफ ये चढ़ चुकी है। सच में गाइस ये कार काफी ज्यादा पावरफुल है, देखते हैं यहाँ से रोल हो पाती है यार। रोल तो नहीं हुई है, पर देखो एक तरफ ये पलट गई है पूरी तरीके से। अब ट्रैक्सस स्लेज को भी सेम स्पीड पे मैं चला के देखने वाला हूँ, उसकी भी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है गियर चेंज करने के बाद। अब ब्रेक लगाते हैं, देखो सेम जगह पर मैंने ब्रेक लगाया है, पर इसकी मजबूती काफी ज्यादा है आर्मा क्रेटोन के मुकाबले में। अब ट्रैक्सस एक्सआरटी जैसे ही ये पत्थर के ऊपर चढ़ पाती है, यानी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये पूरी कोशिश कर रही है ऊपर चढ़ने के लिए, पर इसको यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रिप नहीं मिल पा रही है। अब देखो एकदम मैंने इसको सामने से चढ़ाने की कोशिश की है और ये बहुत आराम से चढ़ चुकी है। अब सेम जगह पर मैं क्लाइंबिंग भी कराऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गीली सी मिट्टी है। देखो कार पूरी तरीके से फंस गई है और ये झाड़ियां जो है इसके व्हील्स में लिपट गई थी थोड़ी देर के लिए। अब एकदम खतरनाक वाला स्टंट करेगा ये देखो यार, ट्रैक्सस स्लेज थोड़ी सी हल्की होने के कारण बहुत ही कमाल तरीके से रोल करके यहाँ तक आ चुकी है। भाई मजा आ गया आज तो ट्रैक्सस स्लेज को चला के।
दोस्तों अब होगी एकदम भयंकर वाली रेस इन दोनों के बीच में, देखते हैं एक्सआरटी जीती है या फिर स्लेट जीती है। अब फुल ट्रिगर में दबाने वाला हूं, जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर दबाया था एक्सआरटी व्हीली करती हुई आगे चले गई है और फर्स्ट राउंड में काफी आराम से एक्सआरटी जीत चुकी है। मेरे को लगा था गाइस स्लेट जीतेगी पर एक्सआरटी भाई सच में काफी ज्यादा तेज तर्रार कार है यार। देखो ये स्लेट को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ चुकी है, देखते हैं फोर्थ राउंड में कौन जीता है। फोर्थ राउंड में भी काफी आराम से यहाँ पे ट्रैक्सस एक्सआरटी जीत चुकी है भाई, एक्सआरटी को हराना नामुमकिन है। दोस्तों आप देखते हैं क्या एक्सआरटी को आर्मा क्रोटोस इसमें हरा पाएगी या फिर नहीं। दोनों विली करके आगे निकल चुके हैं, अब फुल ट्रिगर पे दबाने वाला हूं, जैसे मैंने फुल ट्रिगर प्रेस किया है दोनों साइड बाय साइड चल रहे थे पर यहां पे सीन पूरा उल्टा हो चुका है। देखो इस वापस से एक्सआरटी काफी ज्यादा आगे निकल गई थी, यहां पे एक्सआरटी ने ब्रेक लगा दिया था, पीछे से आकर क्रोटोन ने इसको टक्कर मार दी है। क्रोटोन का वापस से कुछ तो टूट चुका है गाइस, क्योंकि एक सस्पेंशन इसका थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठ चुका है। अरे भाई साहब ये देखो यहां से ये निकल गया है, वापस से मेरे को इसको रिपेयर करना पड़ेगा। अब एक्सआरटी की हालत भी एक बार देख लेते हैं, एक्सआरटी को तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं यार। देखो इसने तो पूरी की पूरी झाड़ियों को ही तोड़ के रख दिया है, काफी ज्यादा मजबूत आरसी कार है। ओके आर्मा क्रोटोस को मैंने वापस से रिपेयर कर दिया है, यहाँ पे रेस में क्लियरली आप देख सकते हो बार बार ट्रैक्सस एक्सआरटी जीत रही है। आर्मा क्रोटोस का एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड काफी ज्यादा कम हो चुकी है, क्लियरली यहाँ पर विनर है ट्रैक्सस एक्सआरटी। ठीक है अब मैं ऑफ रोड में आ चुका हूँ, वापस से इन दोनों के बीच में रेस कराते हैं, देखते हैं गाइस ऑफ रोड रेस में कौन सी कार यहाँ पे जीत पाती है। ट्रैक्सस डिफेंडर तो इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियों में आराम से चल जाया करती थी, अब देखते हैं क्या ये दो बड़ी सी मॉन्स्टर कार इतनी बड़ी झाड़ियों में से निकल पाएगी या फिर नहीं। ट्रैक्सस एक्सआरटी आगे चले गई है, यहाँ पे ट्रैक्सस स्लेज को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, ये झाड़ियों में फंस गई थी थोड़ी देर के लिए। नो डाउट दोनों ही बहुत आराम से यहाँ पे चल रही है पर इनकी स्पीड जो है ऑफ रोड में थोड़ी सी कम हो गई है। क्लियरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो ट्रैक्सस एक्सआरटी जीत चुकी है रेस में। अब होगी आमने सामने वाली फाइट, देखते हैं स्लेट जीतती है या फिर एक्सआरटी। स्लेट एक्सआरटी के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी पर एक्सआरटी ने देखो यार इसको धक्का देके नीचे ही पटक दिया है पूरी तरीके से, क्लियरली एक्सआरटी जीत चुकी है यहाँ पे। अब कराते हैं टोगोफर, अब देखते हैं टोगोफर में कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। क्लियरली यहाँ पे भी एक्सआरटी बहुत आराम से स्लेट को घसीट के लेके जा रही है। ओह माय गॉड यहाँ पे वापस से एक्सआरटी ने स्लेट को पटक दिया है मिट्टी में पूरी तरीके से। अब एक्सआरटी के सामने खड़ी है क्रोटोन, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। यहाँ पे एक्सआरटी ने क्रोटोन को उठा लिया है और नीचे पटकने ही वाली थी पर क्रोटोन यहाँ पे बच गई भाई। ओके अब फटाफट से इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर भी करा के देखते हैं, यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है। क्रोटोन पूरी कोशिश कर रही है एक्सआरटी को रोकने के लिए पर एक्सआरटी पूरी पावर लगाकर क्रोटोन को घसीट के लेके जा रही है, क्रोटोन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही है गाइस। वापस से एक्सआरटी जीत गई है। एक्सआरटी के ऊपर देखो कितनी ज्यादा गीली मिट्टी आके गिरी है, अगर ये सूखी हुई मिट्टी होती तो गाइस यहाँ पे दोनों कार्स मिलकर बवंडर मचा के रख देती। आपको पता होगा ये मॉन्स्टर कार्स कितनी ज्यादा पावरफुल होती है, इनके सामने जो भी आता है उसको ये तहस नहस कर देती है पूरी तरीके से। देखो एक साइड मैंने एक्सआरटी को बांध दिया है, दूसरी तरफ क्रोटोन और स्लेज को बांध दिया है, देखते हैं गाइस क्या ये दोनों मिलकर सिंगल एक्सआरटी को हरा पाती है या नहीं। यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है दोनों कार एक्सआरटी को खींचने के लिए पर एक्सआरटी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि देखो एक्सआरटी ने दोनों को ही रोक लिया है पूरी तरीके से। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सी फाइट चल रही है, मेरे को नहीं लगता गाइस कोई भी यहाँ पर जीत पाएगा। अरे बाप रे बाप गाइस यहाँ पे देखो यार ये दोनों कार्स ने मिलकर इसको पूरी तरीके से रोक लिया है, ये दो कार्स भी काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए यार ये सभी की सभी आरसी कार्स ने, तो गाइस यहाँ पे टाई हो चुका है पूरी तरीके से। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा रैंप है, अब रैंप जंप टेस्ट मैं करने वाला हूँ, सबसे पहले स्लेज को जंप कराते हैं गाइस। ओ भाई साहब जंप देखो यार कितना ज्यादा खतरनाक है पर इसकी लैंडिंग बहुत खराब मेरे को लग रही है। ओ माय गॉड ये तो सीधा जमीन से टकराई है यार सामने की तरफ से, इसकी बैटरी निकल चुकी है पूरी तरीके से। ओ भाई साहब बड़ी खतरनाक टक्कर थी यार, ये देखो बैटरी आके इधर गिरी है, सामने कुछ तो टूटा हुआ मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं गाइस कुछ नहीं टूटा है, जस्ट यहाँ पे देखो इसके बॉडी कवर के ऊपर एक छोटा सा होल गिर गया है। अब सेम जगह से एक्सआरटी को भी जंप कराते हैं, ओ माय गॉड इसका भी जंप काफी खतरनाक था यार पर इसकी लैंडिंग भी देखो उतनी ज्यादा परफेक्ट है, ये कार हर जगह पर बढ़िया तरीके से चलती है। अब ये क्रोटोन को मैं जंप कराने की कोशिश कर रहा था पर इसका एक्सीडेंट होने के बाद इसकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो चुकी है भाई, मेरे को लग रहा है इसके गियर के अंदर कुछ तो दिक्कत आ चुकी है।
अब दोस्तों ये जो ऑफ रोडिंग है बहुत ही डेंजरस होने वाली है, क्योंकि देखो यहाँ पे एकदम बड़े बड़े पत्थर मैंने रख दिए हैं। देखते हैं कौन सी कार यहाँ से बच के निकल पाएगी। सबसे पहले मैं क्रेटोन को चलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर ये क्रेटोन तो यहाँ पे हर गेज नहीं चल रही थी गाइस। इसको हटाते हैं, आप लेके आते हैं स्लेज को, देखते हैं स्लेज यहाँ से चढ़ पाएगी या फिर नहीं। देखो इस कार पूरी तरीके से कांपने लगी है, क्योंकि पत्थर काफी ज्यादा बड़े साइज के है। यहाँ पर आकर ये फंस चुकी है, मेरे को नहीं लगता गाइस ये भी यहाँ से निकल पाएगी। अब एक काम करते हैं, अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक XRD को लेके आते हैं। इसके व्हील्स काफी ज्यादा चौड़े हैं, देखो ये भी पूरी तरीके से कांपने लगी है। फाइनली एक पत्थर के ऊपर से निकल चुकी है, अब ये पूरी कोशिश कर रही है गाइस यहाँ से क्लाइम करके निकलने के लिए। ऑलमोस्ट देखो गाइस बहुत आराम से ये निकल चुकी है, क्योंकि इसकी मोटर काफी ज्यादा पावरफुल है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये थोड़ी सी कम है एक्समैक्स के मुकाबले में। अगर यहाँ पे एक्समैक्स होती तो चुटकी बजाते ही निकल जाती। गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ट्रैक से XRT अच्छी लगी, स्लेज अच्छी लगी या फिर आर्मा क्रेटोन अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। नाम है शुभम, सोली, ब्रिजेश, कुणाल, भास्कर, रूपम, अनुराग, मनप्रीत, अनिरुद्ध, हर्ष कुमार, थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय।